की टीम ने यूक्रेन में फ्लाइट की लैंडिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा? आखिर रामचरण का ऐसा कौन सा लुक ध्यान खींचने में कामयाब रहा? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पंखुरी, जो लेकर आई हूं आज आपके लिए जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी आरआरआर के मजेदार किस्से। एसएस राजमौली की आरआरआर की टीम हाल ही में 4 अगस्त से एक गाने और कुछ प्रमुख सीन्स की शूटिंग के लिए यूक्रेन गई है। रास्ते में टॉलीवुड के हैंडसम हंक रामचरण ने फिल्म के क्रिएटर्स और आरआरआर की टीम के साथ एक सेल्फी क्लिक की। सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, आरआरआर मूवी की यूनिट बेल विशर्स के साथ एक गाने की शूटिंग के लिए यूक्रेन के रास्ते पर ऑन बोर्ड ऑन कतार एयरवेज। वहीं इस पोस्ट में फिल्म के मुख्य कलाकार रामचरण और डायरेक्टर राजमौली भी नजर आए, लेकिन फिल्म की हॉलीवुड और बॉलीवुड टीम इस हवाई जर्नी का हिस्सा नहीं थी। इस पोस्ट में टैग रामचरण को धूप में खेलते हुए और उनके साथ एक तस्वीर क्लिक करने के लिए अपना मास्क हटाते हुए देखा जा सकता है। रामचरण ने काले अमानी शेड्स लगाए हुए हैं और उनके फैंस उनके स्टाइल को काफी पसंद कर रहे हैं। चरण ने फिल्म में मूछें भी रखी हैं, जो उनकी मस्कुलिनिटी को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। आरआरआर की टीम ने यूक्रेन की फ्लाइट लैंडिंग का एक वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा, टीम आरआरआर मूवी फिल्म के लिए आखिरी शेड्यूल के लिए यूक्रेन में उतरी, उत्साहित, #RRRDiaries #RRR। तस्वीर में जूनियर एनटीआर कैसे गायब थे ये देखकर फैंस भी उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। फिल्म की यूनिट के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया कि वहां एक वास्ट जेल सेट बनाया गया है और वो जिस सीन की शूटिंग कर रहे हैं उसमें फौरन शामिल होंगे। शूटिंग वहां 4 अगस्त से शुरू हुई थी। आरआरआर की हर गुजरती झलक के साथ रामचरण का लुक और स्टाइल और भी दिलचस्प और पेचीदा होता जा रहा है। जब अलूरी सीताराम राजू के रूप में रामचरण का पोस्टर पिछले साल रिलीज हुआ था तो नेटिजन्स के बीच ये चर्चा थी कि ये लुक कितना प्रभावशाली था। रामचरण ने न केवल अपने लुक से बल्कि स्वतंत्रता सेनानी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर लाने में भी खुद को कोई कसर नहीं छोड़ी है। नए फ्रेंडशिप सॉन्ग वीडियो में रामचरण के तीखे 3-पीस ऑल ब्लैक पोशाक ने भी सबको हैरानी में डाल दिया। उन्होंने इसे अपनी मुस्कान के साथ कॉम्प्लीमेंट किया, जिससे उनके लुक में और भी गर्मजोशी और ग्रेस आ गई। ऐसा लगता है कि आरआरआर में रामचरण के डिफरेंट इनक्रेडिबल लुक का आनंद लेने के लिए हमें तयार रहना चाहिए। जूनियर एनटीआर की सह अभिनीत फिल्म एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित है और डीवीवी दनैया द्वारा क्रिएट की जा रही है। इसमें आलिया भट्ट और अजय देवगन भी हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। खैर, आप जूनियर एनटीआर और रामचरण की फिल्म आरआरआर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की स्क्रिप्ट आई है आयुषी श्रीवास्तव की तरफ से।